नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रहे हैं। जेएनयू मामले पर प्रकाश जावड़ेकर और गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर शेयर कर दे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। आइए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा के लगभग 12 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके लिए विपक्षी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप और वाम दलों के जिम्मेदार ठहराया है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट पर कहा, मैं कल रविवार जेएनयू में हुई हिंसा की निंदा करता हूं। कांग्रेस और कम्युनिटियों से संबंध एक समूह के साथ मिलकर कुछ लोग जानबूझकर देश भर का, खासकर विश्वविद्यालयों में हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की। जेएनयू में सर्वर रूम में ताला लगाकर सेमेस्टर परीक्षाओं के पंजीकरण में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा था? हाल ही में जेएनयू में लॉकडाउन हो गया था, जिसके बाद कुलपति मणिदला जगदीश कुमार ने 10 से 15 लोगों पर इसका आरोप लगाया था और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी। जेएनयू में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने इस पूरी घटना के लिए वामपंथी छात्रों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय को गुंडागर्दी के केंद्र में बदल दिया है। रोचक बात यह है कि दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कथित रूप में वाम संगठनों के छात्र प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एबीपी के छात्रों को पीटते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी के कारण रविवार की हिंसा हुई। रविवार को हिंसा में वाम दलों और एबीवीपी दोनों पक्षों के छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। दोस्तों आपको इस प्रकार कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।